चंद्रमा तथा पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते जब एक सरल रेखा में इस प्रकार आ जाते हैं कि पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में आ जाए तो चंद्र ग्रहण लगता है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा अदीप्त हैं तथा दोनों स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि पृथ्वी सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है, जिसके फलस्वरूप चंद्र ग्रहण लगता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की प्रच्छाया अम्बरा से गुजरता है, जिससे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, फलस्वरूप पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है। यह घटना पूर्ण चंद्र ग्रहण कहलाती है। जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से होकर गुजरता है तो चंद्रमा के कुछ भाग पर प्रकाश पड़ने लगता है और यह भाग हमें आंशिक रूप से दिखाई देता है। इस स्थिति को खंड चंद्र ग्रहण या आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। आइए फिर दोहराएं। चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन पड़ता है।